देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा बरबीना का पौधा। 3-4 दिन हो गए हैं हालांकि मुझे लाए हुए से, अभी तक मैंने इसको गमले में नहीं लगाया है। ये देखिए काफी हार्डी प्लांट होता है, ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको आप इतनी इतनी सी कटिंग भी ऐसे लगा दें तो आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं, और सीड्स के द्वारा भी ग्रो होता है। वैसे तो विंटर का ये विंटर का या समर का ये क्या कह दीजिए इसको, ये विंटर में भी फ्लावरिंग करता है और समर में अप्रैल मई तक अच्छी फ्लावरिंग ये करता रहेगा। बल्कि अगर आप इसको बचा के रखें तो जून तक भी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो मैं इसको भी रिपोर्ट कर देती हूँ और गमले में इसको लगा देती हूँ। देखिए ये भी चारों तरफ से फैलता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये ज़्यादा इस ऊंचाई इसकी नहीं होती है, छोटे छोटे ये प्लांट होते हैं एक एक फुट के रस्से, तो काफ़ी देखने में खूबसूरत होते हैं इसके फ्लावर। और ये देखिए कई कलर में ये आते हैं, इसे दो तीन कलर इसमें आते हैं, 3-4 कलर। तो ये देखिए कितने गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। और खाद युक्त मिट्टी मैंने इसकी भी तैयार कर ली है, और पन्नी हटाकर इसके यहाँ से साइड में से अब मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगी और छाई में रख दूंगी। और ये देखिए मैंने इसे काफ़ी लेट लगाया है, और मैं इसके जब ये सीजन ऑफ हो जाएगा तो इसकी सीड्स वगैरह कलेक्ट करके रख दूंगी, और अगले साल के लिए छोटी छोटी कटिंग भी अगर हो सका तो तैयार कर लूँगी। तो देखिए ये कितना ही खूबसूरत प्लांट है, और ये भी ये आप देख सकते हैं चलिए किस तरह से चारों तरफ से कवर होकर फैल रहा है। ये देखिए इसकी जगह जगह बर्ड्स भी आई हुई हैं। खाद जो मिट्टी में लगाए तो अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा, और उसको भी पूरे धूप में रखना चाहिए, कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिले तो अच्छी फ्लावरिंग ये करेगा। तो मैं इसको नीचे तक इसकी रूट्स है काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है, और ऐसे ही मैं इसको अपने गमले में रख देती हूँ। ज़्यादा बड़े गमले की भी आवश्यकता नहीं, छोटे से गमले में आसानी से हो जाता है। देखिए 6 इंची का मेरा गमला है, छोटा सा फ्लावर वाले ये सीजनल प्लांट जो होते हैं छोटे गमले में आसानी से हो जाते हैं। मैं अच्छे से इसमें मिट्टी डालकर फिर इसमें थोड़ा से 6 इंच के पॉट में लगा दिए हैं, और अभी मैं इसे शेड में रख देती हूँ। और कल को जब इस ये देखिए 6 इंची का पॉट है, कल को मैं इसको रखूँगी हल्की सी धूप में, और ज़्यादा धूप नहीं दूंगी कल को। और उसके बाद परसों से मैं इसे थोड़ी थोड़ी धूप देना शुरू कर दूंगी, और 3 दिन बाद मैं इसे फुल सनलाइट में रख दूंगी। तो देखिए काफ़ी ये सुंदर इसके फ्लावर्स लग रहे हैं।